इंदौर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हंगामा हो गया। अतिक्रमण हटाने को लेकर सीएसपी राठौर ने बाप के सामने बेटे को और फिर बेटे के सामने बाप को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद एसडीएम ने भी उनको लात मारी और धमकाया भी। उधर दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम की अनुमति से उन्होंने दुकानें लगाई थी, जिसमें नगर निगम के कर्मचारी लगातार उनसे वसूली भी करते हैं। शनिवार को राजीव गांधी चौराहे से तेजपुर गड़बड़ी तक अतिक्रमण को हटाया गया। इस दौरान कार्रवाई का विरोध कर रहे दुकानदारों का निगम व पुलिस की टीम के साथ विवाद भी हुआ। कहासुनी के दौरान सीएसपी जयंत राठौर ने भी दो व्यक्तियों को थप्पड़ मार दिए। वहीं एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने थप्पड़ खाने वाले व्यक्ति को लात भी मार दी। इसके साथ ही अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह ने मार खाने वाले बाप बेटे के साथ ही अन्य दुकानदारों को धमकाया भी। बताया जा रहा है कि सीएसपी ने जिन व्यक्तियों को थप्पड़ मारा है वो बाप बेटे थे। वे कार्रवाई के विरोध करते हुए प्रशासन की टीम से बहस कर रहे थे कि अचानक ही सीएसपी ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। पुलिस और सरकारी अफसरों के इस व्यवहार की सभी जगह आलोचना की जा रही है, क्योंकि जिनको थप्पड़ मारा गया वे कोई अपराधी नहीं थे, दुकानदार थे जो अपनी रोजी रोटी को तहस नहस होता देख अपना आपा खो बैठे थे, और वैसे ही उन्हें मौखिक समझाइश देकर भी शांत किया जा सकता था। बहरहाल इस पूरी कार्रवाई के दौरान राजेंद्र नगर थाने की पुलिस भी मौजूद थी। बताया जा रहा है कि यहां पिछले 10 सालों से ये दुकानें बनी हुई थी। दुकानदारों का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने पैसा लेकर उन्हें यहाँ दुकान लगाने की अनुमति दी थी। इन दुकानों से नगर निगम के कर्मचारी लगातार वसूली करते रहते हैं, जो पैसा मिलता था वो ऊपर तक बांटा जाता था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।